काफ़ी दिनों के बाद, बहुत सारे ताम झाम के बाद, मेरा किचन फाइनली बन के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने डाले हैं। ये तैयार हो रहा है मेरा ड्रीम किचन। तो फाइनली मेरा किचन बन के रेडी है। ये देखिए मेरा हैप्पी फेस जो मेरे किचन में है। तो मेरे सामने वही किचन है जो हमेशा से मेरे दिमाग में था, कौन सा रंग, सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से। इससे पहले मैं आपको अपना नया किचन दिखाऊं, मैं छोटा सा वीडियो डाल देती हूँ पुराने किचन का। मेरा पुराना किचन भी बहुत ही अच्छा था, मगर बहुत पुराना होने की वजह से ये अंदर से ख़राब हो गया था। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह काफ़ी दीमक लग गया था। इसे तोड़ के पूरी तरह से फिर से बनाया गया है। तो ये देखिए, जब किचन में काम चल रहा था तो ये छोटी छोटी क्लिपिंग है उस समय की, कि कैसे इसे तैयार किया गया है। तो ये है वो डोर, वो दरवाज़ा है ये, जिसके पीछे मेरा ड्रीम किचन है। सच में ये किचन मेरे सपनों में था कि मैं ऐसा ही किचन कभी बनवाऊंगी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस किचन की एक झलक। डोर से अंदर आते ही मैंने यहाँ पे ये स्विच बोर्ड दिया हुआ है, और उस स्विच बोर्ड के पास ही है खिड़की जिसमें मैंने स्लाइडर लगवाया हुआ है। और ये देखिए, ये है किचन जो बिल्कुल मेरे ड्रीम किचन वाला ही किचन है। बस ऐसे ही किचन की मैंने कभी ड्रीम देखा था कि मुझे ऐसा किचन चाहिए। किचन का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, मुझे यही कॉम्बिनेशन में किचन बनवाना था। काफ़ी मुश्किलों से मुझे ये किचन बन के रेडी मिला है। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे क्लिपिंग है, वीडियोस है, जब ये किचन तैयार हुआ है, कैसे बना है, क्या क्या लगा है, कितने दिन लगे हैं, कैसे सारे स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए हम दिखाते हैं पहले अपना मेन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारा गैस हॉब है। ये है मेरा वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने गैस हॉब लगवाया है। यहाँ पे ये चूल्हा है कैफ का, और ये हॉब है जो कि अंदर ग्रेनाइट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो काफ़ी फेवरेट था ये मेरा चूल्हा, मुझे बहुत दिनों से ये बहुत पसंद था। मैं यहाँ पे लेने वाली थी 4 बर्नर का, मगर मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, चिमनी भी उस हिसाब से मुझे बड़ी वाली लगानी पड़ती, और जब मैं बड़ी चिमनी लगाती तो मुझे ये दोनों कैबिनेट नहीं मिलते जो चिमनी के बगल वाले थे और जो मुझे चाहिए थे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्लास लगा है, और ये मैंने वाइट कलर करवाया है इसके हैं जो ग्लास के हैं। तो ये है चिमनी जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है। चिमनी मैंने 60 सेंटीमीटर लिया हुआ है, क्योंकि चिमनी के हिसाब से, हॉब के हिसाब से चिमनी दोनों एकदम परफेक्ट है। मेरा अगर 4 बर्नर का हॉब होता तो मुझे चिमनी बड़ा लगाना पड़ता और ये कैबिनेट मुझे नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने इस हिसाब से हॉब 3 बर्नर वाले लिए हैं। इसके साथ ये 60 सेंटीमीटर चिमनी एलिका का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही रिलायबल, मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी है। चिमनी के मामले में आप एलिका पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सेंसर से ऑन ऑफ होता है, तो आप देख सकते हैं स्पीड में है ये, इसी तरह से सेकेंड और ये ऑफ भी हो जाता है। तो ये रहा चिमनी, इसमें जो लाइट भी है, यहाँ पे ऑयल कलेक्टर है। तो इस तरह से चिमनी हो गया, ऑफ हो गया, वो तैयार तो सिर्फ चूल्हे का पूजा हो गया है और प्रसाद ही बना है इससे। लेकिन फिर भी मुझे ये चूल्हा काफी कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ही प्यारा एक लुक है इसका, काफी स्मार्ट लुक है। और इसका आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग, ये इस तरह से इसके 3 बर्नर है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और ये मिडिल वाला। तो ये तीनों बहुत ही सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छा इसके, मतलब इसमें जो फ्लेम है काफ़ी अच्छा है। तो जब कभी ज़्यादा खाना बनाना हो तो आप मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, थोड़ा कम और बहुत ही कम तो फिर इसको, तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सफिशिएंट लगा मुझे। और मैं आपको दिखाती हूँ ये प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही चॉइस करके लाई थी, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाइट कलर, आप देख सकते हैं वाइट, वो फुल्ली वाइट तो नहीं है मगर ये आप वाइट ही समझिए, बहुत ही बढ़िया। ये किचन के लिए स्पेशल इस तरह का स्लैब मार्केट में आता है,
जो आप ये मैंने पहले सोचा था कि मैं नैनो वाइट यूज करूंगी, मगर नैनो वाइट का काफी ज्यादा शिकायत आ रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो जब मैं लेने पहुंची स्लैब के लिए पत्थर, तो नैनो वाइट से अच्छा मुझे ये लगा, ये काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में डिमांड में है, स्पेशली किचन के लिए इसे बनाते हैं। कॉर्ड से है ये मतलब टाइल्स वाला ही मटेरियल है, बट ये काफ़ी इसमें आप गर्म खाना भी रखते हैं, मतलब ये हीट रेजिस्टेंट भी है, स्क्रैच फ्री है, और सबसे ज़्यादा कि काफ़ी स्मूथ चिकना है। नैनो वाइट जैसा इसमें क्रैक्स पड़ने का कोई डर नहीं है। तो जो बैक फ्लैश होता है, मैंने इसी का सेम पत्थर सेम चीज ग्रे कलर, ग्रे मेरा फेवरेट है, तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इसे बनाई हूँ। क्योंकि जब आप व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो क्या होता है, अगर आप प्लेटफॉर्म व्हाइट है ठीक है, अगर मैं इसमें खाना बना रही हूँ तो सीटी वगैरह या सब्जी मसाले के छींटे इधर व्हाइट पे ना बहुत ज्यादा एकदम हाईलाइट होते हैं, इसलिए मैंने इसे बैक फ्लैश ग्रे रखा है, जो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड दिया है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे टोस्टर या फिर छोटे मोटे या अगर मिक्सर भी रख सकती हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म के लिए काफी जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगवाया है सिंक, और सिंक भी मैंने यहाँ ग्रेनाइट का लिया है जो एंटी नॉइस है। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं इसमें वो वाला जो बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़ है वो बहुत ही कम आती है। यहीं पे मैंने एक स्लैब यहाँ पे लगवाया है, छोटा सा सेल्फ, इसे मैंने अमेजन से मंगवाया था। तो यहाँ पे आप विम बार वगैरह जो भी बर्तन धोने की चीज़ें हैं वहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आरओ का सप्लाई देने के लिए, ये आरओ मैंने पहले सोचा था यहाँ लगवाऊंगी, फिर मैंने इस कैबिनेट को सोचा कि ये कैबिनेट मेरा फालतू का वो हो जाएगा, बुक हो जाएगा आरओ के लिए, इसलिए आरओ मैं यहाँ लगवाऊंगी और ये कैबिनेट मैं यूज करूंगी। तो ऊपर की सारे कैबिनेट देखिए इस तरह से, अभी कुछ भी नहीं मैंने इसमें रखा है। जब मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लूंगी तो फिर से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ऊपर ढेर सारे कैबिनेट हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा किचन मेरा WPC का बना हुआ है, ये प्लाई नहीं है, ये तो HDHMR है, क्योंकि इसके ऊपर पेंट करना था, HDHMR है ये मटेरियल, और ये WPC है, 18 mm थिकनेस है इसकी, और ये WPC है। WPC से क्या होता है कि इसमें ना कभी दीमक लगेगा ना पानी से इसे नुकसान होगा, तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने WPC से बनवाया। पूरा किचन WPC का बना हुआ है, और ये है कलर जो प्यू पेंट है। प्यू थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, मगर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्यू के मुकाबले अभी कोई पेंट नहीं है। तो मैंने प्यू कराया कलर, मुझे यही चाहिए था। चूल्हे के नीचे मैंने इस तरह से एक ड्रॉअर बनवाया है जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें मैंने डाला है ये देखिए अलग से कटलेरी का एक ट्रे, जिसमें आप सारे कटलेरी रख सकते हो। तो ये ट्रे अलग से मंगा के मैंने इसमें सेट किया हुआ है इसी के नाप का। तो ये एक पहला ड्रॉअर है, दूसरा ड्रॉअर है, और ये थर्ड ड्रॉअर है, जो कि अभी मतलब अभी इसमें कुछ सामान इसी में पड़ा हुआ है। मैं इसे हटाऊंगी जब अपने किचन के सारे डब्बे रखूंगी। तो ये देखिए सॉफ्ट टच है, काफ़ी स्मूथली ये अंदर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे हैंडल नहीं लगवाया, हैंडललेस बनवाया है सारे ड्रॉअर, क्योंकि मुझे हैंडल वाला लुक नहीं चाहिए था, मुझे इस तरह का लुक चाहिए था जिसमें हैंडल ना लगा हो, और ये उस तरह से ऊपर नीचे सबके खोलने के लिए बने हों। ये देखिए मैंने बहुत सारे ड्रॉअर बनवाए हैं, यहाँ पे एक पुल आउट दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं अभी खाली है। जब मैं अपना किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी, सारे सामान इसमें एडजस्ट करूँगी, तो फिर से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। फिर ये देख सकते हैं पूरा ड्रॉअर है। सामने वाले कैबिनेट में मैंने जाली रखवाया है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिसमें हवा लगनी चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा कट करा के उसमें जाली लगाया है। कुछ मैंने स्टील के इस तरह के बास्केट्स भी लगवाए हैं, अगर आप बर्तन वगैरह धो के वहीं पे आप तुरंत रखना चाहते हैं। तो इधर भी मैंने एक छोटा सा स्लैब दिलवाया है, जो मैं माइक्रोवेव वगैरह रख सकती हूँ या फिर इंडक्शन रख के कुछ भी बना सकती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा सेल्फ है, और ये देखिए मेरा सबसे फेवरेट किचन का जो आइटम है वो है ये शटर, जो काफ़ी सुंदर है देखने में, और इसे मैंने शीशे के ग्लास के सेल्फ डलवाए हैं,
तो ये शटर है, इसमें आप वो सारी चीजें रख सकते हैं जो आप छुपा के रखना चाहते हैं, और या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप इसमें रख सकते हैं और इस तरह से शटर बंद कर सकते हैं। ये काफी प्यारा है और ये है एल्युमिनियम कलर का। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे वीडियो से आवाज़ गायब हो गया था, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए पूरा लुक दिखाती हूँ मैं अपने किचन के शटर का, जो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर आजकल न्यू मॉडलर किचन में बहुत ही प्यारा, मतलब ये एक अलग से अट्रैक्शन होता है ये वाला शटर। तो इसे मैं कैसे छोड़ सकती थी, तो मैंने इसे बनाया। इसमें देख सकते हैं ग्लास के 3 सेल्फ हैं, इस तरह से शटर बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्लैब के ऊपर ही रखने पे अच्छा लुक आता है इसका। तो ये शटर के बाद जस्ट इसके बगल में मैंने यहाँ पे एक बड़ी जो टॉल पेंट्री होती है वो बनवाया है, और ये पेंट्री बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किचन के लिए। इसमें आप वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो आप हिडन, मतलब अगर आप ग्रोसरी का कुछ भी लेकर आए जिसे आप फ्रिज में नहीं रखते, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा खासा स्टोर रूम का काम करेगा। तो इसमें भी 6 एक तरफ 6 अंदर 12 सेल्फ होता है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने यहाँ पे एक माइक्रोवेव वाला जो पैनल होता है उसे भी बनवाया था, लेकिन मेरे किचन में उसे लगाने के बाद किचन काफ़ी कंजेस्टेड लगने लगा था, तो फिर मैंने उसे हटा दिया। तो ये इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक स्लैब और स्लैब के ऊपर 2 छोटे छोटे से पावर पॉइंट दिया है। यहाँ भी मैंने पावर पॉइंट दिया है एक, इससे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैंने आइलैंड टेबल की तरह बनवाया है स्लैब। वही मटेरियल है जो किचन का स्लैब है, लेकिन इसे मैंने मूवेबल रखा है, मतलब इसे मैं मूव कर सकती हूँ। चाहूँ तो मैं इधर इसे उल्टे की तरफ रख सकती हूँ या फिर दीवार के साइड। तो ये एक आइलैंड टेबल है जिसे मैं चाहे जैसे किचन में एडजस्ट कर सकती हूँ। इसे मैंने सेट नहीं कराया है और ये काफ़ी अच्छा है। इसे मैंने मतलब कुछ सोच के बनवाया कि अगर मुझे वीडियो शूट करना हो तो इसके ऊपर आप किनारे चारों तरफ लाइट वगैरह या कैमरा मोबाइल सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ ड्रॉर है जो वीडियोज़ के एसेसरीज रहेंगे उसको रखने का काम आएगा। तो ये देखिए दिया है मैंने, और इसका भी लुक बहुत प्यारा है। इसमें बहुत सारे बर्तन आ सकते हैं जो मेरे वीडियोस में यूज होते हैं, तो सब खुद अपने हिसाब से बनवाए, इसलिए मुझे किचन बहुत प्यारा है, लुक देता है मेरे किचन को, और काफ़ी यूजफुल टेबल है। अगर इसे कोई और यूज़ नहीं करना है तो आप इसके बैठ के थाली प्लेट लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं किचन पूरा चारों तरफ से कैसा लुक है, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, मुझे खासकर बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ कि मेरा किचन कैसा लग रहा है। तो ये किचन बनवा के मैं तो बहुत खुश हूँ। इसमें कैसे कैसे क्या करवाया है मैंने, मैंने किसी से कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, ना ही किसी से कोई हेल्प ली है। जितना जो अपने से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जैसा जहाँ जो जगह लगा मैंने उसे बनवाया है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ करी, क्या करी, कैसे लिया और कैसे बनवाया। आप किसी भी चीज़ की जानकारी मेरे से ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये चूल्हा के बारे में जानना चाहें, आप लाइटिंग देख सकते हैं मेरे किचन में, मैंने लाइटिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था, तो मैंने खूब अच्छी खासी लाइटिंग करवाई है किचन में। फॉल सीलिंग का काम हुआ है और मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट इसमें लगवाया है, मतलब कुल मिला के इसमें 8 से 10 लाइट हैं, जो बहुत ही प्यारा लगता है किचन में, और ज़रूरत भी पड़ती है किचन में लाइट की, तो वीडियोस वगैरह शूट करने में काफ़ी अच्छा लाइट मिलता है। तो ये रहा मेरा प्यारा किचन जो मैंने अभी अभी तैयार करवाया है। और इस किचन से रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी।